और दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ सबसे बड़ी खबर इसलिए क्योंकि बेहद ही चौंकाने वाली, बेहद ही हैरान कर देने वाली, अलर्ट करने वाली और सावधान रहने की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर हमारे देश से इंडिया को लेकर नहीं है, लेकिन इस खबर को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं ईरान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट जो सबकी आंखें खोलने वाला, चौंकाने वाला, हैरान कर देने वाला। ईरान में 2 दिन का टोटल शटडाउन घोषित कर दिया गया और इसकी वजह है गर्मी। जी हाँ दोस्तों, वहां पर पारा 50 डिग्री पार पहुंच गया, हीट स्ट्रोक का वहां पर भयंकर खतरा है, शहरों में तो बिजली कटौती भी हो गई है। यानी ईरान में तेज गर्मी के चलते पहली बार 2 दिन का टोटल शटडाउन घोषित कर दिया गया। ईरान की सरकार ने सभी कार्यालय, स्कूल और बैंक बंद रखने का फैसला सुनाया है। ईरान में तापमान 123 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 50 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को हीट स्ट्रोक का खतरा बताते हुए घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। सरकारी प्रवक्ता अली बहादुरी जहरोमी ने बताया कि सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साउथ ईस्ट के प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में बढ़ते तापमान और धूल भरी आंधियों की वजह से हाल ही में करीब 1000 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि इस साल ईरान में बिजली का इस्तेमाल रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचने के आसार हैं क्योंकि लोग एसी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। ईरान में अब तक 2 पावर प्लांट ग्रिड से बाहर हो चुके हैं और कई शहरों में बिजली कटौती भी हो रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान में बिजली संकट भी गहरा सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद ही पुराना हो चुका है और इसे सुधार के लिए विदेशी निवेश की जरूरत है। हालांकि अमेरिका की तरफ से लगाई गई पाबंदियों की वजह से यह मदद मिलना भी फिलहाल नामुमकिन है। ऊर्जा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि आने वाले दिनों में ईरान में बिजली संकट को देखते हुए शटडाउन बढ़ाया जा सकता है। जुलाई मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना रहा। कुछ दिन पहले ग्लोबल क्लाइमेट अथॉरिटी के साइंटिस्ट ने बताया था कि जुलाई 2023 मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना रहा। लगातार तापमान बढ़ने से 3 महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया हीट वेव की चपेट में है। वहीं यूरोपियन यूनियन की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने एक रिपोर्ट में कहा, जुलाई के शुरुआती 3 हफ्तों में गर्मी के कई रिकॉर्ड टूटे हैं। कई देशों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच गया। साइंटिस्ट का कहना है कि 1,20,000 साल में इतनी गर्मी हुई है। वहीं UN चीफ ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का युग खत्म हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का युग खत्म हो गया, अब ग्लोबल बॉइलिंग का युग आ गया, क्लाइमेट चेंज आ गया, ये बेहद ही खतरनाक है। हालांकि ये सिर्फ शुरुआत है और इसे काबू किया जा सकता है। हम ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें फौरन कदम उठाने पड़ेंगे। दुनिया के तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यूरोप की स्पेस एजेंसी ने भी इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। स्पेन में भी तापमान 45 डिग्री पहुंच गया, वहीं इटली में पारा 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। वहीं इटली ने रोम, फ्लोरेंस समेत अपने 16 शहरों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। सरकार ने लोगों से 11 से शाम 6 बजे तक धूप में ना रहने की सलाह दी है। वहीं स्पेन के कैनरी आइलैंड और ग्रीस में तापमान बढ़ने से जंगल की आग शुरू हो गई है। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा है। तो ये दोस्तों अपडेट जो जानकारी ईरान को लेकर आ रही है, मौसम को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग और UN ने कहा कि अब ग्लोबल बॉइलिंग का युग आ गया, क्लाइमेट चेंज आ गया, प्रकृति किस तरह से अपना कहर दिखा रही है आप देख सकते हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज वीडियो देखते रहने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इस वीडियो को भी आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।